नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बुथालोक में। मैं रवि तिवारी एक और महत्वपूर्ण रटलो सीरीज के साथ। यह रटलो सीरीज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को समर्पित है। प्रश्नों की संख्या तो 50 ही है, लेकिन 50 प्रश्नों की अगर आप पूरी व्याख्या सुनते हैं तो लगभग लगभग 50 प्रश्नों के माध्यम से आप सभी लोगों को 100 से 150 प्रश्न उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के तैयार हो जाएंगे। इससे पिछले वाला जो मैंने आपको रटलो दिया था वो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल के बारे में हम लोगों ने पूरी बात की थी। यह रटलो पूरी तरह से करंट अफेयर्स को समर्पित किया गया है जो आपका यूपी से संबंधित है। इस रटलो के सबसे अंतिम भाग में पिछले 15 दिन के उस करंट का समावेशन किया गया है जो आपका करंट अफेयर्स राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण है, और कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं। जब अंतिम समय में आपको कोई कंटेंट प्रेषित किया जाता है, अंतिम समय से हमारा आशा है कि वैसे तो आप जिस रटलो को देख रहे हैं यूपी स्पेशल के, ये यूपी लोअर पीसीएस, इसके बाद आने वाले पीसीएस, और इसके बाद यूपीएसआई का आपका जो एग्जाम है यूपीएसआई के लिए और यूपी टेट के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इन सभी में यूपी स्पेशल से बहुत चीजें पूछी जाती है। लेकिन जब लास्ट समय में कंटेंट देने से आशा यह है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस समय लोअर पीसीएस वाले जो है उनकी हमारे हम लोगों के ऊपर बन रही है, क्योंकि लास्ट समय में हम जो कंटेंट प्रेषित कर रहे हैं वो कंटेंट बहुत अचूक होना चाहिए और आपके लिए परीक्षा उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि अब परीक्षा में कुछ घंटे शेष है। तो पूरी कोशिश की गई है कि अगर आप यही एपिसोड देखते हैं तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल से भी जुड़ते हैं, करंट अफेयर्स से भी जुड़ते हैं, वो आपके सही हो जाएं और इन्हीं व्याख्याओं से उस दिन के पेपर में आपको प्रश्न मिल जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की पहले प्रश्न के साथ। आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप कहां से देख रहे हैं हम लोगों को एक बार कमेंट करें ताकि संस्था जान सके कि हम कहां कहां तक पहुंच गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला, अभी हाल ही में जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपकी नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। बिल्कुल जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले नंबर पर जो सिंचाई का साधन है वो प्रदेश में नलकूप है, दूसरे नंबर पर जो सिंचाई का साधन है वो आपका नहर है, तीसरे नंबर पर जो सिंचाई का साधन है वो आपका कुआं है, और चौथे नंबर पर जो सिंचाई का साधन है वो आपका तालाब, झील और पोखर है। कभी कभी क्रम को भी सुनिश्चित करने के लिए आपको दे दिया जाता है, तो इस क्रम का भी याद रखें। यह जो जानकारी है ये उत्तर प्रदेश के 2 विभागों द्वारा आपको जो है प्रदान की जाती है। एक विभाग को हम कहते हैं कृषि संगणना प्रभाग। कृषि संगणना प्रभाग से दी गई जानकारी के अनुसार लगभग लगभग अगर हम लोग देखें तो 70% के लगभग सिंचाई आपकी जो है नलकूप द्वारा होती है। और दूसरा आपकी जानकारी दी जाती है आर्थिक एवं संख्या प्रभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश आर्थिक एवं संख्या प्रभाग के द्वारा, और इसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो कुल सिंचाई का लगभग 72% नलकूप, मैंने 72 और 70 लगभग में बोला है, एक दो आपका पॉइंट में जो परसेंटेज है वो आपका इधर उधर रहता है। तो लगभग 70% जो है कृषि संगणना विभाग ने कहा है और लगभग 72% आर्थिक एवं संख्या प्रभाग ने आपको ये जानकारियां दी है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? नलकूप होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? देखिए 2 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं, गौर से ध्यान रखिए। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले कौन से हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका बी। सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। और सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? भदोही, है ना। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाने से हमारा आशय आपसे ये है कि आपसे पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक वृद्धि, या कंफ्यूज नहीं होना है, और सर्वाधिक कमी। सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी ये भी आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले अगर हम 2 जिले पूछें तो सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो जिला है वो झांसी है, और सर्वाधिक कमी वाला जो जिला है वो मिर्जापुर है। अब आप कहेंगे सर ये 2 चीजें कैसे हैं? स्पष्ट समझ लीजिए, जब हम वृद्धि और कमी देखते हैं
तो हम दो रिपोर्ट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे हम 15वीं बन रिपोर्ट को अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि 15वीं बन रिपोर्ट के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो 14वीं बन रिपोर्ट और 15वीं बन रिपोर्ट को जब आपस में कंपेयर किया गया तो झांसी जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई दो रिपोर्टों के कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झांसी में सबसे ज्यादा वन है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि या सबसे ज्यादा कमी, उन दो रिपोर्ट का आपस में तुलनात्मक अध्ययन है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा? झांसी। और सबसे ज्यादा कमी वाला जिला कौन सा है बताइए? मिर्जापुर। आप कोड में ऐसे याद रख सकते हैं कि झांसी वालों ने सबसे ज्यादा पेड़ लगाए हैं और मिर्जापुर वालों ने सबसे ज्यादा पेड़ काटे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां पर है, क्षेत्रफल कहां पर है, तो सोनभद्र में है, और सबसे कम कहां पर है बताइए, तो आप क्या कहेंगे? भदोही में। आइए, मेरे ख्याल में अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 11 जून 2019 को, हाल ही की बात है, 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना, और उसमें कुछ जो संशोधन किए गए हैं उसी से आपका एक प्रश्न निकला है, के तहत 60 से 79 वर्ष, ये डिटेल्स भी याद रखिएगा, कूट में प्रश्न पूछा जाता है, 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन की राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपए प्रति माह, इससे पहले 400 रुपए प्रति माह दी जाती थी, से बढ़ाकर कर दिया गया है। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 500 रुपए प्रति माह। कितना कर दिया गया है? 500 रुपए प्रति माह। और 500 रुपए जो प्रति माह किया गया है, तो अगर हम पूछें कि कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो आप कहेंगे 100 रुपए की वृद्धि की गई है। कितने रुपए की वृद्धि की गई है बताइए? 100 रुपए की वृद्धि यहां पर की गई है। और इस 500 में अगर हम लोग देखें तो 300 रुपए राज्यांश है, ध्यान रखिएगा, 300 रुपए राज्यांश है, और 200 रुपए जो आपका है वो केंद्रांश है। इसका मतलब है इस 500 का पर प्रति व्यक्ति, है ना, प्रति लाभार्थी 300 रुपए जो देता है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और 200 रुपए दिया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा। एक और टेक्निकलिटी इसमें है, चूंकि आयु वर्ग 60 से 79 है, लेकिन जो व्यक्ति 80 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है उसको भी 500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन ये 500 रुपए, ये 80 वर्ष से अधिक वालों को पूरे 500 रुपए जब तक वो रहते हैं, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये पूरा केंद्रांश होता है। तो हाँ, 80 वर्ष से अधिक आयु अगर आपकी है तो जो 500 रुपए आपको दिए जाते हैं पूरी तरह से केंद्रांश है, इसमें राज्य सरकार की कोई भी सहभागिता नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बताइए क्या होगा? 500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। आइए चौथे प्रश्न को एक बार देखते हैं। यहां पर हाल ही में चर्चा में रहा द मिलियन कॉमर्स स्कूल 3.0 निम्न में से किससे संबंधित है? क्लियर। तो अगर हम गौर से देखें तो यह किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता की कार्यशालाएं उससे संबंधित है, किसानों से संबंधित है, उनकी आमदनी बढ़ाने हेतु। यह जो है किसान पाठशाला के चौथे संस्करण का एक हिस्सा है। किसान पाठशाला माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आयोजित किसान पाठशाला है उसके चौथे संस्करण में इस कार्यक्रम को जो है यूज किया गया था, द मिलियन कॉमर्स स्कूल 3.0, जिसमें किसानों को आमदनी बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। क्या किया गया? प्रशिक्षित किया गया। हाँ, प्रशिक्षित किया गया। तो यह किसानों की आमदनी बनाने हेतु एक जागरूकता कार्यशालाओं से आया था, लगभग 75 जिलों के किसानों को इसमें प्रशिक्षित आपका किया गया है। आइए ध्यान रखिएगा, किसानों से संबंधित है। 9 मार्च 2019 को खुर्जा ताप संयंत्र की आधारशिला रखी गई, प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गए, यह स्थित है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर में स्थित है। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि खुर्जा ताप संयंत्र जो है किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और कहां पर स्थित है, तो आप तुरंत कहेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ दिन पहले इसकी आधारशिला रखी गई, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? इससे आपका उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होगा, राजस्थान लाभान्वित होगा, दिल्ली लाभान्वित होगा, क्लियर है, और उत्तराखंड लाभान्वित होगा, उत्तराखंड लाभान्वित होगा। तो इस योजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो कितने हैं? 5 है। आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा राज्य इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहा है,
तो यहां पर देखिएगा 5 राज्य आपके इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2019-20 में घोषित की गई कन्या सुमंगला योजना के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इस योजना का संचालन प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है, यह भी सही है। कई महत्वपूर्ण योजनाएं आपके उत्तर प्रदेश बजट 2019-20 में आई हैं, उनमें से यह भी एक योजना है, कन्या सुमंगला योजना। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हमें वो गलत करने पर मजबूर करते हैं। सुमंगला, सुमंगला को हम लोग विवाह की तरफ ले जाते हैं, है ना, शुभ मंगल, है ना, इसको तो थोड़ा सा इस कनेक्टिविटी को ध्यान रखिएगा। यह योजना बेटियों की शिक्षा से संबंधित है, ये भी सही है, और यह योजना बेटियों के विवाह से संबंधित है, ये गलत है। चौथा वाला आपका गलत है, क्योंकि विवाह से संबंधित नहीं है, बेटियों की शिक्षा से संबंधित है। और इस योजना के प्रावधान आपसे ये कहते हैं कि बेटी के जन्म लेने से जब तक वह स्नातक तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेती, तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई या शैक्षिक जो खर्च होता है वो 6 चरणों में गवर्नमेंट आपको प्रदान करेगी। कितने चरणों में? 6 चरणों में गवर्नमेंट धीरे धीरे आपको प्रदान करेगी एक निश्चित राशि, और इसका लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम है। 3 लाख रुपए से कम है, उन्हीं लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, या वही लाभार्थी इसका प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई, यह 2 स्थानों के मध्य होगा। देखिए, कुंभ में जब हम लोग थे तो कुंभ में 29 जनवरी को इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ हुआ था, 29 जनवरी को एक पूरे मंत्रिमंडल की हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें बहुत सारे निर्णय आपके लिए गए थे 2019 में, वहीं पर गंगा एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी दी गई थी। यह एक्सप्रेस वे 600 किलोमीटर लंबा है, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को, कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को प्रयागराज से जोड़ेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से प्रारंभ हो रहा है? मेरठ से प्रारंभ हो रहा है। तो ये मेरठ से लेके प्रयागराज तक है, 600 किलोमीटर की इसकी पूरी कुल दूरी है। और जब पिछली बार अभी कुंभ हुआ था, आपका कुंभ जो है आपका 5 मार्च को समाप्त हुआ था, अभी कुंभ से भी इसमें प्रश्न डाले गए हैं, मैं आपको वहां पर चर्चा करूंगा पूरी इसके बारे में, तो वहां पर इसको मंजूरी दी गई थी। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज को जोड़ेगा, मतलब मेरठ से प्रयागराज को ये जोड़ेगा। आइए गंगा एक्सप्रेस वे अगला सवाल, रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना जिससे संबंधित मसौदे पर दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए अवस्थित है, कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने? 6 राज्यों के। तो सबसे पहले तो इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो 6 हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे, हरा, इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे आपके, हरियाणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, और उत्तराखंड के बाद उस राज्य के भी मुख्यमंत्री थे जिस राज्य में ये योजना शामिल है, यह योजना हिमाचल प्रदेश में है, है ना, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, यमुना की सहायक गिरी नदी के तट पर, इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कितने हैं? 6, और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं इसके मसौदे पर। लेकिन इसके सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? उत्तर प्रदेश को होगा, और सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो राज्य अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो इस योजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जारी किया गया ई निवारण एक डिजिटल ऐप है,
एप्लीकेशन है। निम्न में से किससे संबंधित है? यह विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित है ना। विद्युत उपभोक्ता अपने मीटर की खराबी, ज्यादा बिल और बिजली की पारदर्शिता, इन तीनों से संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन ई निवारण ऐप के माध्यम से खत्म करा सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जो है विद्युत उपभोक्ताओं को एक अच्छी सेवा देने के लिए, डिजिटली जोड़ने के लिए ई निवारण ऐप का शुभारंभ किया गया है। आइए दसवां प्रश्न। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है और यह बहुत आता है। देखिए तो सबसे पहले है आपका प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। तो इसका सही क्रम आपका यह है, एक बार इसका कोड बना लीजिएगा आप। सबसे पहले प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर क्या है आपका आजमगढ़ और फिर क्या है आपका लखनऊ, है ना। PMGAL है ना, इस तरीके से आप इसको कोड बना के, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और उम्मीद है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम लोगों का? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ देखिए, थोड़ी सी जानकारी मैं संस्थान की तरफ से भी आपको दे दूं। अगर हम लोग कोई संस्थान चला रहे हैं तो यह भी जिम्मेदारी है, ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लें। हमारे तरह यहाँ संस्थान में 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक तो UPSI का और एक UPTET का। बैच अभी बिल्कुल नए हैं, इनमें प्रवेश आप सुनिश्चित करा सकते हैं। UPSI का बैच बहुत अच्छा चल रहा है और UPTET का बैच कल से ही प्रारंभ हुआ है, उसमें पढ़ाई लिखाई प्रारंभ हुई है। तो अगर आपको UPSI में एडमिशन लेना है तो आप WhatsApp पर इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और WhatsApp पर इस नंबर पर UPSI एंट्री लिख के भेज दें। जैसे ही आप इस नंबर पर UPSI एंट्री लिख के भेजेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ जाएंगे। और अगर आप UPTET में इंटरेस्टेड हैं या CTET में इंटरेस्टेड हैं तो UPTET और CTET वाले सभी जो है बंधु इस नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं। क्या लिखना है? UPTET या CTET एंट्री लिख के आप भेज दीजिए, तो यहां पर हमारी टीम के लोग आपसे संपर्क करेंगे। डेली 5 से 6 वीडियो क्लासेस, जो लोग साथ वाले देख रहे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके बैचेज कैसे चल रहे हैं। 5 से 6 वीडियो क्लासेज, पूरे PDF नोट्स, और हम भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव क्लासेस देते हैं। हम कभी भी रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करते, लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव ही आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये नंबर है, इससे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नंबर हैं जहां पर आप कॉल करके जो है अपने एडमिशन को सुनिश्चित करा सकते हैं। अगर आप संस्थान के किसी सदस्य से बात करना चाहें तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से आप बात करके इसको करा सकते हैं, प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितने अंक कम है? तो पहले तो आपको दोनों लिंगानुपात याद होने चाहिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 प्रति 1000 है, ये यूपी का है, और जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो 943 प्रति 1000 है, 943 प्रति 1000 है। अगर हम इस हिसाब को लगाएं तो लगभग जो अंकों की कमी होती है वो कितने अंकों की कमी होती है बताइए? 31 अंक। तो कितने अंक कम है? 31 अंक कम है, क्लियर। तो पहले तो हमें ये देखना है कि कितने अंकों की कमी इसमें है बताइए, 31 अंकों की कमी यहां पर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1024 आपका कहां का है? जौनपुर का है, जौनपुर का लिंगानुपात सबसे कम है। और 851 जो लिंगानुपात है वो 851 आपका जो लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर का है, ये सबसे कम है, गौतम बुद्ध नगर ये सबसे कम है। तो जौनपुर का सबसे ज्यादा और गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम, हम ये यूपी की बात, हम लोग यहां पर यूपी की बात कर रहे हैं। 2 चीजें और आप याद रखिएगा, महराजगंज और रायबरेली 2 ऐसे जिले हैं, ध्यान से सुनिएगा, महराजगंज और रायबरेली 2 ऐसे जिले हैं जिनके जो लिंगानुपात हैं वो राष्ट्रीय लिंगानुपात के बराबर है। मतलब
महराजगंज का कितना है 943 और रायबरेली का भी कितना है 943। तो महराजगंज और रायबरेली के लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के बराबर है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जिनके लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के बराबर है, या उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिसके लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात के बराबर है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, महराजगंज 943 और रायबरेली 943। इस सारी जानकारी को एक बार अच्छे से देख के पेन डाउन कर लीजिएगा, ये निश्चित रूप से आपके काम आएगी। आइए 12वें प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया इस वर्ष का। कृषि कर्मण पुरस्कार क्यों दिया जाता है पहले तो यह देख लीजिए। तिलहन फसल में पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, तिलहन फसल का पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन या उत्पादन उत्पादन या प्रथम राज्य, सबसे पहला राज्य उत्पादन में बनने के जो क्रम में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर? तो कृषि कर्मण पुरस्कार, सबसे ज्यादा उत्पादन इस वर्ष तिलहन का कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश तिलहन के उत्पादन में प्रथम राज्य हुआ, इसीलिए भारत को, उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला जी की अध्यक्षता में गठित समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए आपने देखा होगा इस समिति के बारे में अभी ढेर सारी चर्चा हुई, और एक विवादित प्रश्न जो ऐसा है भाइयों के मध्य जो लगातार चल रहा है, क्या बताइए, अयोध्या समाधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में मार्च में स्वतः संज्ञान लेते हुए मार्च में एक समिति गठित की, न्यायमूर्ति FM इब्राहिम कलीफुल्ला इस समिति के क्या है बताइए अध्यक्ष हैं आपके, और इसके अलावा इसमें दो लोग और हैं, तीन सदस्यीय समिति थी, एक है श्री श्री रविशंकर जो अध्यात्म गुरु हैं, और जो दूसरे हैं वो आपके कौन है, श्री राम पंचू जो मध्यस्थता के बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, ये पेशे से अधिवक्ता हैं, और कई राज्यों के जो विवाद थे है ना, मध्यस्थता करके इन्होंने कई राज्यों के बीच के सीमा विवादों को निपटाया है। तो ये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसको इसमें मध्यस्थता और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, अयोध्या समाधान। अयोध्या मसले के समाधान के लिए 14वां प्रश्न, 5 मार्च 2019 को संपन्न हुए कुंभ मेले में को यूनेस्को द्वारा क्या घोषित किया गया है ना, यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को क्या कहा गया, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, मानवता की अमूल सांस्कृतिक धरोहर, अध्यात्म का प्रतीक, प्रयागराज कुंभ, संस्कृति विस्तार। यूनेस्को द्वारा इस बेहतरीन आयोजन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, धरोहर घोषित किया गया। क्लियर, एक बात। दूसरी बात, 15 जनवरी से लेके लगभग 15 जनवरी से 5 मार्च तक यह जो है कुंभ आयोजित किया गया, और सरकार ने दावा किया कि 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां स्नान किए, 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहां पे क्या किए, स्नान किए, और लगभग 15 जनवरी से 5 मार्च तक कुंभ आपका यहां पे चला, और यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इसको घोषित किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन ट्रेन रहित ट्रेन 18 को संचालित किया गया, या किन दो स्थानों के बीच संचालित हो रही है ना, इसी को हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी क्या करती है, यात्रा करती है, और यह दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलाई जाती है, जो आपके प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, हाँ हम सबके प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, दिल्ली से वाराणसी तक यहां इनके बीच चलाई जाती है, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम है। क्लियर है, हाँ, इंजन रहित ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका 16।
पंद्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 आयोजित किया गया है ना। चलिए, पंद्रहवां भारतीय दिवस, पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि गांधी जी इस समय स्वदेश वापस आए थे, स्वदेश वापसी की थी, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं बताइए, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो अब यहां पर दो कंफ्यूजन आपको हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 9 जनवरी को। लेकिन इस बार का जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था वो 21 से 23 जनवरी के बीच में मनाया गया। उसका कारण था, वही आयोजित किया गया कहां पे? वाराणसी में। हला, आयोजित कहां पे किया गया? वाराणसी में। और मुख्य अतिथि थे यहां पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी के जगन्नाथ जी, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डिले इसलिए किया गया क्योंकि उस समय कुंभ था और लगभग 30 से ज्यादा देशों के जो राजनयिक यहाँ पर आए हुए थे उनको कुंभ में भी उस समय जो है आपको घुमाना था, और देश विदेश में जो है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके दर्शन कराने थे। तो ये हुआ कि दो बार मशीनरी का उपयोग ना हो, तो 21 से 23 जनवरी तक प्रभाती भारतीय दिवस के बाद इन लोगों को सीधे कुंभ स्नान के लिए, कुंभ दर्शन के लिए लाया गया। इसीलिए इस बार ये आयोजन लेट हुआ। इस बार का जो 15वां आयोजन हुआ वो 21 से 23 जनवरी के बीच में वाराणसी में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? वाराणसी होगा। आइए 17वें प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ा जाए। 17वां प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार, हाँ आपके प्रदेश से प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है ना, प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 का जो फेज था कि बीच की प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो आपको बताना है कि इसके बीच की प्रतिशत वृद्धि आपकी क्या थी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 11.4%। क्या होगा? 11.4%। यदि हम उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर की बात करें तो ये आपकी है 67.7%, और जो राष्ट्रीय साक्षरता दर आपकी है वो है आपकी 73%, है ना। राष्ट्रीय साक्षरता दर 73%, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितना है बताओ? 67.7%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्रदेश की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितने अंक कम है, तो आप कहेंगे 5.3% अंक कम है ना। कितने अंक कम है? 5.3% अंक की यहां पर कमी है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? 11.4%। क्लियर हुई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, किससे संबंधित था? स्वच्छता से, पेड़ पौधों से, स्वास्थ्य से, कुंभ से? ढेर सारे रिकॉर्ड कुंभ में भी बनाए गए है ना, लेकिन स्पेसिफिक जिसकी बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, 77वीं वर्षगांठ आप जानते हैं 9 अगस्त 1942 से 77 वर्ष हो चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन के, तो ये आपका पेड़ पौधों से संबंधित था। किससे संबंधित था? पेड़ पौधों से संबंधित था, और करोड़ों में पेड़ पौधों का वितरण यहां पर किया गया है ना, करोड़ों में पेड़ पौधों का वितरण यहां पर किया गया। तो ये यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? पेड़ पौधों से संबंधित। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घर बैठे शिकायत प्रणाली हेतु एक नया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। क्लियर? वह हेल्पलाइन नंबर है, देखिए आप घर बैठे आप घर बैठे जो है यहां पर 24 घंटे सातों दिन अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आप अपनी शिकायत के निवारण के बारे में जानकारी ले सकते हैं, शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, शिकायत के निवारण के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इसके लिए 500 सीटों का एक कस्टमर ऑफिस लखनऊ में बनवाया गया है जिसकी क्षमता है 180,000 कॉल्स को वो सुन सकते हैं। मतलब आपकी 180,000 कॉल्स को वो सुन सकते हैं, और ये फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1076। जनता और आपके जनप्रतिनिधियों के बीच, आपकी प्रदेश सरकार के बीच पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, समय की बचत को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर आपका जारी किया गया है।
जो सातों दिन 24 घंटे काम करता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1076। क्या होगा? 1076। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है। संपन्न योजना, अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया था, संपन्न योजना जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के सौंदर्य से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में वाराणसी में किया गया, किससे संबंधित है? देखिए, संपन्न योजना दूर संचार क्षेत्र के पेंशन धारकों से संबंधित योजना है, पेंशन धारकों से संबंधित योजना है ना, तो ये संपन्न पेंशन से संबंधित योजना है, किस क्षेत्र की पेंशन धारकों से संबंधित योजना है? अगर इतने डिटेल में चला जाए प्रश्न, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? दूर संचार के पेंशन धारकों से संबंधित योजना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न। कारवां गुजर गया किस प्रसिद्ध कवि की रचना है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो पिछला वर्ष आपका रहा 2018-19, हम लोगों ने हिंदी साहित्य के प्रदेश के बहुत सारे कवियों को खो दिया है ना, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध हस्ती थे जिन्होंने बहुत सेवा हिंदी साहित्य की, कविता संग्रह की, जिनका नाम था गोपालदास नीरज जी। गोपालदास नीरज जी का एक प्रसिद्ध जो है काव्य संग्रह, कविता संग्रह है कारवां गुजर गया। तो ये किसकी रचना है बताइए? तो ये रचना आपकी है, हाँ ये रचना है आपकी किसकी? गोपालदास नीरज की। क्लियर? दूधनाथ सिंह जी भी हमारे बीच नहीं रहे, इनका भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसको हम कहते हैं युवा खुशबू। क्लियर? केदारनाथ सिंह जी भी हमारे बीच नहीं है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है कल्पना एवं छायावाद, कल्पना एवं छायावाद। क्लियर? और प्रोफेसर नामवर सिंह प्रसिद्ध आलोचक थे, वो भी हमारे बीच नहीं है, इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है जिसको हम कहते हैं दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका तो सही उत्तर गोपालदास नीरज जी होगा, कारवां गुजर गया। लेकिन सबकी एक एक महत्वपूर्ण रचना आप जो है इसको याद करके रखिएगा, या तो मिलान करने में आ सकती है या सीधे आपसे पूछी जा सकती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रसिद्ध इपको साहित्य सम्मान, क्लियर, हाँ, जो कि इस वर्ष 31 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया, श्री लाल शुक्ल की स्मृति जी में साहित्य सम्मान दिया जाता है ना, किसके? श्री लाल शुक्ल जी की स्मृति में यह साहित्य सम्मान दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस बार ये साहित्य सम्मान रामधारी सिंह जी दिवाकर को प्रदान किया गया, प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामधारी सिंह दिवाकर जी को प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली साहिब की मजार देवा शरीफ, परसों भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा, ये गलत है। 88,000 तप ऋषियों की जो तपस्थली है उसको हम कहते हैं नैमिसरायण, नैमिसरायण, या इसको हम लोग नीमरस भी कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? नीमरस भी कहते हैं, नैमिसरायण या नीमरस हम लोग कहते हैं। तो यहां पे संकीसा जो होगा ये चौथा वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, ये गलत उत्तर आपका हो जाएगा। क्लियर? आइए 24वें प्रश्न की तरफ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है ना, तो बताइए गाजियाबाद की साक्षरता दर सबसे अधिक है ना, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और गाजियाबाद, तो आपका उत्तर होगा गाजियाबाद की जो है साक्षरता सबसे अधिक है। और अगर आपसे कहा जाए यहीं पे कि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे श्रावस्ती है ना, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर श्रावस्ती हो जाएगा। 25वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश भारत के शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? चलिए करंट है कूट के रूप में, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है और सर्वाधिक उत्पादन होता है, मैंने आपको पहले बताया। गन्ना अभियंत्रिकी शिक्षा संस्थान है, यह बिल्कुल है, यह भी सही है आपका दूसरा है ना। तीसरा, गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक है,
हाँ ये भी सही है। गन्ना यंत्र की शिक्षा संस्थान भी उत्तर प्रदेश में है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक यहां पे नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तो पहला दूसरा चौथा तो सही है, तीसरा आपका गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा। सी उत्तर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 26वां प्रश्न आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी स्थापित है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी बताइए। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है एक बार कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है बताइए? नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कहां पे? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, क्लियर, कार्य करता है। आइए अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, है ना। तो जो हिंदुस्तान पेपर है उसके संपादक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1887 में यह जो है आपका प्रकाशित हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 28वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को इसका उत्तर आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर स्थित है बताइए? मेरठ। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? मेरठ इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। ये कुछ फैक्चुअल प्रश्न है। कजरी, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय क्या गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कजरी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है आपका, अयोध्या के किस संगीतकार ने, यह प्रश्न कम से कम तीन बार पूछा जा चुका है पिछले दो वर्षों में, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? खुशी महाराज ने। प्रसिद्ध प्रश्न हो गया है, कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीटेशन इसका प्रश्न का होता है उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति में। खुशी महाराज कहां से संबंधित थे? अयोध्या। किस संगीत से, किस शैली से संबंधित थे? टप्पा शैली से संबंधित थे। आइए अब टप्पा शैली क्या होती है तो कोई संगीतकार ही बता सकता है, मुझे इसका बोध नहीं है। फिलहाल इसका सही उत्तर खुशी महाराज होगा। आइए चलिए थोड़ी सी एक जानकारी अपनी किताब के बारे में दे देता हूं। ये मेरी किताब है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मंगवाई है, अपने मुंह से क्या कहूं, आप लोग खुद बता दीजिए कैसी किताब है। रीजनिंग की एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस सेट भी है, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल, लगभग 700 पेज की किताब है और आप घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। ये जो नंबर है इस नंबर पर या तो आपको कॉल कर दीजिए या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप बुक लिख के भेज दीजिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, UPSI, बैंक PO, UP SSSC, UPPCS, CSET, एक 700 पेज में लॉजिकल एनालिटिकल वर्बल नॉन वर्बल पिक्चर सारी रीजनिंग को कंपाइल किया गया है, है ना, मेरे स्वयं के द्वारा लिखित है। और संस्था के जो सदस्य ऑर्डर करते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, है ना, हम 7 से 10 दिनों में आपके यहाँ इंडियन पोस्ट से इस किताब को डिलीवर करा देते हैं। आप किसी भी राज्य में हो और प्रदेश के किसी भी जिले में हो, जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो किसी भी दुकान से प्रयागराज की इस किताब को खरीद सकते हैं। प्रयागराज के बाहर के लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसको इस नंबर पर या तो कॉल कर दीजिए या इसके व्हाट्सएप पर बुक लिख के भेज दीजिए, बुक आपके घर पहुंच जाएगी, क्लियर है। किताब के बारे में आप लोग बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हमेशा देते हैं, जिन लोगों ने मंगवाई है वो रिव्यू कर भी रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी रीजनिंग की किताब किसी को सजेस्ट करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार इस किताब को जरूर देखें। ये किताब रीजनिंग के मामले में उतनी ही आसान है जितनी आसान आप लोगों को मेरी भाषा लगती है ना। तो खूब मंगवाएं, और एक ऐसी बात है कि आप पढ़ के किसी और को भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा के लिए आपकी हो जाएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से प्रत्येक चैप्टर से 100 से 150 प्रश्न आपके रखे गए हैं, जिसका सॉल्यूशन भी है, प्रैक्टिस सेट भी है और पूरा कॉन्सेप्ट भी उनका लिखा गया है और ट्रिक्स भी लिखी गई हैं। तो एक बेहतरीन किताब है रीजनिंग। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए बता देते हैं। ताला गुद्दोग अलीगढ़ बिल्कुल सही है,
कालीन उद्योग भदोही, संत रविदास नगर कहते हैं आप इसको, सही है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं होगा, है ना, ये फिरोजाबाद में है, आप अच्छे से जानते हैं कहां पे है, फिरोजाबाद में है, ये शाहजहां गलत है। चिकन लखनऊ, ये बिल्कुल सही है, चिकन आपका लखनऊ बिल्कुल सही है। और फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग का शहर भी कहते हैं, सुहाग सिंगार या सुहाग का शहर। आपसे पूछा जाता है कि सुहाग का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो सुहाग का शहर किसको कहा जाता है, फिरोजाबाद को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, नोएडा। कौन सा है, नोएडा। इस प्रश्न के साथ में कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको देना चाहूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ऐसा इसको पेन डाउन कर लीजिए, क्लियर है। देखिए, नॉलेज पार्क और नाइट सफारी पार्क भी नोएडा में है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नॉलेज पार्क, तो वो भी नोएडा में है, इसका तो सही उत्तर नोएडा है ही। और अगर आपसे पूछा जाए नाइट सफारी पार्क, तो वो भी आपका नोएडा में है, नोएडा पार्क, हाँ नॉलेज पार्क नाइट सफारी। लेकिन अब ये नॉलेज पार्क है, अगर आपसे पूछा जाए इको नॉलेज पार्क, तो यहां आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इको नॉलेज पार्क जो है वो आपका प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, है ना। प्रयागराज के खुसरो बाग को, प्रयागराज के खुसरो बाग को ही हम लोग इको नॉलेज पार्क कहते हैं, है ना। तो ये आपका कहां पे है बताइए, प्रयागराज में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है, कौन सा पूछा जाए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, आप लोग उत्तर कर लीजिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो आपका लखनऊ में है, लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाए एग्रो पार्क कहां पे है, एग्रो पार्क, एग्रो पार्क जो आपका है वो बाराबंकी में है। अगर आपसे पूछा जाए एग्रो पार्क कहां पे है, तो एग्रो पार्क जो आपका है, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा सा, आप देख लीजिए, वो बाराबंकी में है, क्लियर है। हाँ, परफ्यूम पार्क जो है वो कन्नौज में है। अगर आपसे पूछा जाए परफ्यूम पार्क, तो परफ्यूम पार्क जो है वो आपका कहां पे है बताइए, कन्नौज में, अच्छे परफ्यूमों के लिए जाना जाता है आपका कन्नौज, तो परफ्यूम पार्क में, हट जा रहा हूं आप पेन डाउन करते रहिए, परफ्यूम पार्क जो आपका है वो कहां पे है बताइए, कन्नौज में है। और पर्यटन के लिए थीम पार्क, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन के लिए थीम पार्क कहां बनाया गया है, तो थीम पार्क पर्यटन ये आपका बनाया गया है आगरा में, आगरा में। इन पार्क में से एक पार्क मिलना आपको निश्चित है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, सुनिश्चित करिए एक पार्क को यहां पर, क्लियर है। आइए 32वां प्रश्न, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है, बताइए। हाँ हाँ, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां स्थित है बताइए, 34वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां स्थित है, वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा वाराणसी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं, बताइए तेल शोधन कारखाना मथुरा, तेल शोधन कारखाना कहां पे है, मथुरा में, ध्यान रखिएगा, तीन प्रश्न थे, तेल शोधन कारखाना कहां पे है बताइए, ये आपका मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए इस प्रश्न को। हाँ, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट बताइए, सही उत्तर इसका क्या होगा, कहां पे है, तो आप कहेंगे नोएडा में है, ये नोएडा में है, क्लियर। दूसरा, चलिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है आपका, लखनऊ में है, सही सुमेलित हम लोग कर लेंगे, लखनऊ में है। तीसरा, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये कहां पे है आपका, आगरा में है, कहां पे है आपका, आगरा में। तो अब जो चौथा वाला बचा वो आपका कहां पे होगा, वो आपका मेरठ में होगा, जो बचा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन, ये आपका कहां पे है, मेरठ में, ये सही क्रम है आपका। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डी, 4312।
है ना, 4-3-1-2 आइए आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1-2 को सम्मिलित कर सही उत्तर चुनिए, क्या है आपका। चलिए इंडियन, ये देखिए मैं बहुत आपको ये जरूरी चीजें बता रहा हूं, इन सबको पेन डाउन करके एक बार मिला लीजिए, कम से कम 3-4 प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे इस ट्रेडिशनल से। आइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, चलिए बताइए 37वें का उत्तर क्या होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहां पे है बताइए, ये वाराणसी में है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहां पे है, वाराणसी में। भारतखंड संगीत ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी ये आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निराला आर्ट गैलरी है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली में है, रायबरेली में है। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखें तो इसका सही उत्तर आपका होगा 4-3-2-1, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा 37वें प्रश्न का। क्लियर है, आइए। रानी हो स्मारक का शिलान्यास निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। आप जानते हैं कि पिछले बार दीपावली के समय सरयू नदी पर, सरयू नदी के तट पर लगभग 3,00,000 से अधिक दीप प्रज्वलित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। यहां पर दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला मुख्य अतिथि के रूप में थी, जिनका नाम था किम जोंग सुख, किम जोंग सुख। हाँ, ये जो है कि मुख्य अतिथि थी। इसी समय इलाहाबाद, इसी समय अयोध्या में रानी हो स्मारक का जो है क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। और यह स्मारक भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक, खेलकूद और पर्यटन के को बढ़ावा देने के लिए और उनकी विशेषताओं को बताने के रूप में किया गया। तो रानी हो कहां पर है बताओ, अयोध्या में है, और सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। दीप उत्सव या दीपोत्सव का आयोजन पिछली बार यहां पे किया गया था और इस बार फिर से कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है। अगला प्रश्न 39वां, इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है। हाला देखिए, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्टेडियम लखनऊ में स्थापित किया गया है और इसका नाम अभी हाल ही में भारत रत्न, बताइए किसके नाम पर रखा गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, वाजपेयी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। अब हमारे बीच नहीं है और उनके सम्मान में इकाना का नाम यहां पर बदल दिया गया और अब ये हो गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। आइए अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेडियम का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी किया गया है, तो इकाना का, और एक कहां अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ करने का निर्णय किया गया। चलिए फिर प्रधानमंत्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, अटल पथ। तो देखिए अटल पथ कहा गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, किसको कहा गया है बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ लड़ने का निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां से कहां तक है बताइए, तो ये जो है झांसी से इटावा तक है, झांसी से इटावा, झांसी से इटावा तक है अटल पथ, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, झांसी से इटावा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइफाइड हुआ है, थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अस्वस्थ होने की झलक नहीं दिख रही होगी, क्योंकि आपके लिए चीजें बहुत जरूरी थी इसलिए दवा लेके इस क्लास को रिकॉर्ड करा रहा हूं। तो आप सभी लोग पढ़ें, हमारे पूरे संस्थान की तरफ से शुभकामना है। अभी 9 प्रश्न और इसमें हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड आज धीरे है क्योंकि टाइफाइड ने जकड़ रखा है, थोड़ी सी समस्या में। अब देखिए गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अब ये परसों की बात है, प्रधानमंत्री जी वहां पर खूब धूम मचा रहे हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम भी आपने देखा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आइए 42वां, देश की पहली कारपोरेट रेलगाड़ी किस नाम से लखनऊ और दिल्ली के बीच दौड़ेगी। तेजस एक्सप्रेस को
देश की पहली कारपोरेट रेलगाड़ी होने का गौरव प्रदान हुआ है और इसको देश की पहली कारपोरेट रेलगाड़ी घोषित किया गया है ना। और ये कहां पर दौड़ेगी, दिल्ली से लखनऊ, मतलब आपके प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी से आपके प्रदेश की राजधानी में ये जोड़ेगी। और ये यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका, तो तेजस एक्सप्रेस का सही उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न, भारतीय रेलवे के सभी कोच में कब तक जैव शौचालय होंगे। 2 अक्टूबर 2022 तक भारतीय रेलवे ने लक्ष्य लिया है कि सभी रेलवे में जैविक शौचालय कब तक बनाने हैं, बताइए। 2 अक्टूबर 2022 तक, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने राष्ट्रीय करंट के है इसलिए शामिल किया है क्योंकि पिछली दो परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए अगले 7 प्रश्न इसी तरह आपके महत्वपूर्ण है। आइए 44वां प्रश्न, किस रोग के इलाज के लिए ध्यान रखिएगा ऑल ओरल रेजिमेन खुराक लॉन्च की गई टीबी के लिए, किस रोग के लिए, टीबी के लिए कौन सी खुराक, बताइए, ऑल ओरल रेजिमेन। आइए अगले प्रश्न की तरफ, 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज का जलावतरण अभी हाल ही में किया गया। हाँ, आईसीजीएस वराह का जो है अभी जलावतरण किया गया, ध्यान रखिएगा एक परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आइए अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ना है। 46वां प्रश्न, भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायंफ नवंबर में आयोजित हुआ होगा। देखिए सामरिक रिश्ते बढ़ रहे हैं भारत और अमेरिका के मध्य, नवंबर में त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायंफ आयोजित किया जाएगा। टाइगर ट्रायंफ किस किस के, भारत और अमेरिका के मध्य नवंबर में आयोजित होना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया गया। पायल जांगड़ जी को सम्मानित किया गया। 48वां प्रश्न, 2019 का सस्त रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप लोग, किसको प्रदान किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका एडम हार्पर। सही उत्तर इसका क्या है, बताइए, एडम हार्पर इसका सही उत्तर है, तो इसका उत्तर होगा डी। 49वां, नया सवेरा योजना किस विषय से संबंधित है। यह आपके उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है नया सवेरा, और ये बाल श्रम से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाल श्रम से। किसानों के वो बच्चे या किसानी परिवार के वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जो बाल श्रम में ग्रसित हैं, उन परिवारों को सहायता प्रदान करके इनको यहाँ से निकालना, इनका शैक्षिक सामाजिक और नैतिक विकास करना, तो नया सवेरा योजना किस प्रदेश के द्वारा लाई गई, उत्तर प्रदेश। और ये ऐसे बच्चों से संबंधित है जो बाल श्रम से ग्रसित हैं और किसानी परिवार के बच्चे हैं, उन्हें वहां से निकाल के एक अच्छी दुनिया में या अच्छे वातावरण में लाना, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके। पंकज आडवाणी और किसकी जोड़ी ने म्यांमार में आयोजित विश्व स्कूनर चैंपियनशिप जीती। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ, म्यांमार में, और पंकज और आदित्य मेहरा जी की जोड़ी ने प्रतियोगिता जीती है ना, किसने, पंकज आडवाणी और आदित्य मेहरा जी की जोड़ी ने प्रतियोगिता जीती। तो ये 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी आप लोगों के लिए, जिसमें यूपी के करंट का भी समावेश था और 3-4 क्वेश्चन जो राष्ट्रीय आपके करंट से महत्वपूर्ण थे उनको भी रखा। आप सभी लोगों को लोअर पीसीएस के एग्जाम जो लोग भी देने जा रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतिम समय में अपने आप को संतुलित रखें, बहुत ज्यादा जागे ना, जो चीज आपने पढ़ी है उसी को अच्छे से रिवाइज करें, नई चीजों को ना पढ़ें, बार बार उन्हीं चीजों को दोहराएं, है ना, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लें। आपने बहुत पढ़ा हुआ है, आपने जितना पढ़ा है अगर उतना ही आप नॉलेज को मेंटेन करते हैं तो आपकी लोअर पीसीएस की परीक्षा आपसे कोई ले नहीं सकता, आप सभी सफल होंगे। और मैं ईश्वर से दिन रात ही प्रार्थना कर रहा हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, आप सभी लोग लोअर पीसीएस में सफल हों। टारगेट विद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है, हम सभी की तरफ से आपको शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कैसा लगा अपने सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जल्द ही फिर एक रट लो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।